सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ तंदनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देते हैं और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचि, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और आज हमें स्किन से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में हम सबको जानकारी देंगी। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि सिंह, स्किन एक्सपर्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इस फील्ड में मेरा 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है। 8 वर्षों से मैं स्किन से डील कर रही हूं, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी। और आज बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। जी, जैसा कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो अपने ठंड के इस मौसम में अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें, क्या कुछ खाने में शामिल करें? जी, ठंड का मौसम अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो हवाएं चलती हैं वो काफ़ी कोल्ड एंड ड्राई हो जाती है। इस ड्राई हवा की वजह से हमारे हेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हेयर भी ड्राई डैमेज हो जाते हैं और स्किन पे भी ये जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है। स्किन ड्राई होने की वजह से एलर्जिक हो जाती है, जल्दी रेडनेस आ जाती है, कभी कभी काफ़ी जलन होने लगती है और स्किन फ्लेकी हो जाती है, ग्लो ख़त्म होने लगता है। जी, तो ठंड में कौन कौन से फ्रूट्स हम ले सकते हैं अपने डाइट में, जो हमारे स्किन को हेल्दी रखे? जी, जैसे कि मैंने बताया कि विंटर्स में हवा काफ़ी ड्राई होती है, कोल्ड एंड ड्राई एयर जो चलती है, इसकी वजह से स्किन ड्राई होती है, जिसके मतलब है कि हमें हाइड्रेशन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, जो हम सर्दियों में काफ़ी पानी लेना कम कर देते हैं, हमें पानी काफ़ी लेना चाहिए, काफ़ी मात्रा में। जब सुबह उठें तभी भी हमें पानी चाहिए, कम से कुछ नहीं तो 8 ग्लास तो पानी हमें पूरे दिन में ज़रूरत होती ही है। अगर बहुत ठंडा लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसको वार्म टेम्परेचर पे लें और स्किन पे प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत गर्म पानी अपने बालों के लिए या स्किन के लिए उपयोग ना करें। जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसका उपयोग करें, सीजनल चीज़ें खाएँ और जितना हो सके हेल्दी डाइट लें, ना कि कोई ऑयली या फ्राइड जंक फूड्स, इन सबको अवॉइड करें। जी डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? हेयर फॉल की समस्या आजकल इतना ज़्यादा देखने को मिलती है, जितने मैं पेशेंट्स देखती हूँ उसमें 50% तो हेयर लॉस की ही प्रॉब्लम लेकर आते हैं। काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है जब से कोविड आया हुआ है। जो 4 मेन रीजंस होता है हेयर फॉल के लिए, दैट आर जेनेटिक, हार्मोनल, न्यूट्रिशनल एज वेल एज स्ट्रेस। इन सब में जो भी एक रीज़न होता है उसको हटाना चाहिए, उसको हम डायग्नोज करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ हेयर लॉस, उसको देखते हुए ही हम प्रॉपर डायग्नोज करके फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। लेकिन मेन जो है वो स्ट्रेस है आजकल, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। तो अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उसे आप डील करें, स्ट्रेस लेवल को डाउन करने की कोशिश करें, प्लस अपना जो डाइट है उसको आप बेस्ट रखिए, कि जिसके लिए प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में आपको लेना है, प्लस जो सीजनल फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लीजिए। प्रोटीन के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे कि पनीर है, राजमा, छोले, एग्स हैं जो एग्स लेते हैं। बाकी जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए फ़िश है और ओमेगा रिच फूड जो भी है, नट्स हैं, बादाम, काजू, ये सब आप लीजिए। और जितना हो सके आप सीजनल फ्रूट्स पे ज़्यादा जाइए, ना कि आर्टिफिशियल और कैंड फूड है या जंक फूड्स, इन सबको आप अवॉइड करिए। प्रॉपर ऑयलिंग करिए हेयर की, जो कि रखना नहीं है, वीकली करिए और नेक्स्ट डे आप वॉश कर दीजिए। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि एक्ने की समस्या बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को होती है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे देखभाल करें कि एक्ने ना हो, पिम्पल्स बहुत ज़्यादा जो स्किन को ख़राब कर देते हैं? जी, एक्ने तो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट डालती है बच्चों पे। जब टीनेजर्स में एक्ने की प्रॉब्लम आने लगती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से
ऑयल सिक्रीशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और एक्ने की समस्या आने लगती है। और एक होते हैं एडल्ट एक्ने, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से लेडीज़ में, जिसमें PCOD होता है, उसमें देखे जाते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन जो बेसिक आपको केयर करनी है एक्ने में, वो है प्रॉपर आप क्लीन रखिए अपनी स्किन को। और ऑयली स्किन ऑलरेडी हो रही है तो ऑयली फूड आप अवॉइड कीजिए, जंक फूड है, फ्राइड फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जो टीनेजर्स हैं उनको भी जंक से दूर रहकर, जो आपका न्यूट्रिशनल फूड है वो आप हेल्दी डाइट लीजिए। स्किन को दोबारा फेस वॉश, वो भी एंटी एक्ने जो मेडिकेटेड फेस वॉश होते हैं उनको आप यूज़ कीजिए। नॉन कोमेटोजेनिक मॉइस्चराइजर्स, बाकी जो आप क्रीम लगाएंगे उससे और स्किन ऑयली होगी, जो कि एक्नेस को और बढ़ावा देंगे। तो बेटर है मेडिकेटेड नॉन कोमेटोजेनिक मॉइस्चराइजर्स लगाइए और स्किन को हेल्दी क्लीन रखिए। और जो मेन कॉज होता है वो है कॉन्स्टिपेशन, जो एक्ने कॉज करता है। जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन ही नहीं रहेगी, इंटरनली हेल्दी नहीं रहेगी, उसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है लोगों का। ये बहुत ही मेन एक कॉज है। ठीक, आगे अगला सवाल मेरा ये आपसे रहेगा कि मेकअप का चलन बहुत ज़्यादा है आजकल, तो देखा जाए लोग मेकअप करते हैं तो इससे एलर्जी हो जाती है, तो इसका क्या बचाव किया जा सकता है, एलर्जी से क्या बचाव है? सबसे पहले तो मैं मेकअप के टोटली अगेंस्ट ही हूँ। जब आप इंटरनली हेल्दी रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो ज़रूरत ही नहीं है मेकअप लगाने का। जब मैं आज के टीनेजर्स या यंग गर्ल्स को देखती हूँ, उनमें भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि ग्लो आए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेकअप अप्लाई करते हैं। तो मैं उनको तो यही बोलूँगी कि आप मेकअप अप्लाई ना कीजिए, एक सही एज के साथ जब कुछ लगता है, फ्लॉज आते हैं स्किन में, तब आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मेकअप जो है उसको प्रॉपरली क्लीन करने का मत भूलिए। जब आप शाम को सोते हैं तो आप प्रॉपरली क्लीन करके ही उसको प्रॉपर फेस वॉश से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके तभी आप बेड पर जाएँ। मेकअप जो होता है वो चीप क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का ही यूज़ करें। और अगर एलर्जी होती है तो प्रॉपर एक डॉक्टर को, आप स्पेशलिस्ट को ही कंसल्ट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए, और सही सलाह से ही आप मेकअप कीजिए। जी, धूप से बचने के लिए सन प्रोटेक्शन का क्या, कैसे यूज करें, सन प्रोटेक्शन से कैसे बचें? मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताती हूँ, शायद लोगों को कम पता होगा कि 80% जो मेन रीज़न है फॉर 80% एजिंग ऑफ योर स्किन, दैट इज़ सन। जो हमारी एजिंग होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, वो 80% जो मेन कल्प्रिट है या कारण है वो सन ही है। जो उसके रेडिएशंस होते हैं वो हमारे विंडोज़ से भी क्रॉस होकर हम इफ़ेक्ट करते हैं, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ही मस्ट है। सनस्क्रीन का लोग नहीं मेन रीज़न समझते कि क्यों लगाना चाहिए, वो सोचते हैं कि हम अंदर हैं तो हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं, या बादल हैं या ठंड है तो हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि चाहे आप अंदर हो, बाहर हो, बादल हो, धूप हो, जो भी हो, आपको सनस्क्रीन मस्ट है, आपको लगाना ही है। हर 3 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट कीजिए। और अब तो 50 SPF सनस्क्रीन आने लगी हैं, फिजिकल सनस्क्रीन आने लगी जो आपके स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं, आप रिएक्ट नहीं करती हैं, जब आप वॉश करेंगे तो ईजिली वॉश हो जाती है। तो सनस्क्रीन का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, TV, टैबलेट्स, इन सबसे भी जो किरणें निकलती हैं, रेडिएशन आती हैं, वो भी हमारी स्किन में एजिंग कॉज करते हैं। इससे बचने के लिए भी अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आने लगी हैं, जो सभी को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चों को भी सही एज से अगर उनका बाहर निकलना है तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। देखा जाए तो सर्दियों में लोग कहते हैं कि सन के धूप में बैठना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे, कितना धूप में रहें? सन में बैठना ज़रूरी है ताकि हमें प्रॉपर विटामिन डी मिले। जब सनराइज होता है तब की धूप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करती है। आपने शायद बॉडी बात सुना, जो सन बात होता है उसको सुना होगा, उसके लिए हम सुबह की जो धूप होती है वो लेना चाहिए। और बाकी पूरे दिन धूप में बैठना तो फिर हार्मफुल ही होता है, क्योंकि आपके स्किन को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप फेस पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं अगर थोड़ी देर भी बैठना हो, लेकिन डायरेक्ट धूप फेस पे अगर पड़ रही है तो इसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जो पिगमेंटेशन होता है स्किन का, मिलाजमा,
वो सब भी बढ़ता है। डॉक्टर, ये अगला सवाल ये रहेगा फेशियल हेयर ग्रोथ को लेकर, जो ज़्यादातर आप देखेंगे किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर रहते हैं, तो इसका क्या उपाय है? जी, फेशियल हेयर भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। फेशियल जो हेयर है उसके दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो आजकल जो मेन कारण जो चला हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स। आज की जेनरेशन को पता ही नहीं है कि आप क्या फेस पर लगा रहे हैं। केवल फेयरनेस के लिए जब वो मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो उनको गलत दवाइयाँ दे दी जाती हैं, विच आर एक्चुअली स्टीरॉइड्स, जो 2 या 3 दिन में बहुत अच्छा फेयरनेस देते हैं, स्किन इम्प्रूव्ड लगती है, बट एक्चुअली दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन, जिसकी वजह से धीरे धीरे धीरे, आपने बेटनोवेट का नाम सुना होगा जो बहुत ही आजकल सबके ज़बान पे रहता है, मेरे तो काफ़ी पेशेंट्स यूज़ करते हैं, और उसकी जो स्किन पे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जिससे फेशियल हेयर बढ़ते चले जाते हैं, कॉमेडोन्स बढ़ते चले जाते हैं, स्किन बहुत थिन हो जाती, पतली, और उसकी वजह से एलर्जीज भी होने लगती हैं। तो वो मैं बिल्कुल मना करूँगी, मत लगाइए। और जो दूसरा रीज़न है फेशियल हेयर ग्रोथ का, वो है हार्मोनल चेंज, स्पेशली PCOS में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवेरियन सिस्ट होती हैं, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेशियल हेयर आने लगते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि कभी कभी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए? जी, सबसे पहले तो हर इंसान को अपना पता होना चाहिए कि आपकी स्किन की क्वालिटी कैसी है, कि वेदर इट इज़ ऑयली और ड्राई। आप सुबह उठते हैं तब आप अपने टी जोन पर देख सकते हैं, अगर ऑयल आपको दिख रहा है तो मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है, और अगर बहुत ड्राई रहती है और आपको फील हो रहा है कि ड्राइनेस हो रही है, फेस खिंचा खिंचा लग रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, उस हिसाब से आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर ड्राई है तो आपको एक प्रॉपर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी, और प्रॉपर आपकी डाइट होनी चाहिए जिसमें कि ओमेगा 3 एंड विटामिन ई रिच फूड हो। आप अच्छी क्वांटिटी में पीनट्स ले सकते हैं, यानी कि मूंगफली है और नट्स है, एलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब अच्छे से कंज्यूम कीजिए। मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा आपका होना चाहिए। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसी आपकी स्किन है, उसको कैसे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। प्लस अगर ऑयली स्किन है तो नॉन कोमेडोजेनिक, और अगर ड्राई स्किन है तो आपको प्लेन जो मॉइस्चराइज़र्स, आजकल इंटेंस मॉइस्चराइज़र्स आ रहे हैं, वो आप यूज़ कीजिए। प्लस फेस वॉश भी अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको एंटी एक्ने फेस वॉश यूज़ करने पड़ेंगे, और बाकी अगर बहुत ड्राई स्किन है तो बहुत ही जेंटल क्लेंजर्स आते हैं, वो आप लीजिए। और प्लीज़ डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन, क्योंकि आपकी स्किन ही है जो इतनी सेंसिटिव स्किन है, तो प्लीज़ उसको एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। जाते जाते हमारा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि योगा से कैसे अपनी स्किन को फिट रखें, क्या कौन सा योगा करें जिससे हमारी स्किन ग्लो करे? जी नंदिनी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, विच इज़ माय फेवरेट टॉपिक। कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन पर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट ना होते हुए आप थोड़ा सा नेचुरल जो होता है अपना लाइफ स्टाइल अगर इम्प्रूव कर लें तो सब अच्छा होना है। अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं तो वही आपके फेस पे दिखता है, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती है। उसी में से एक बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना। अगर आप योगा करते हैं तो पूरा आपका रिजुविनेशन जो होता है, टोटल क्लेंजिंग और टोटल स्ट्रेचिंग आपकी जो स्किन की होती है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी स्किन पे पड़ता है। और जितने पुराने आसन हैं, जैसे शीर्षासन है आपका, सूर्य नमस्कार है जिसमें सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड आता है, तो उससे आपको एक अलग ही ग्लो स्किन में मिलेगा, इवन आपका हेयर लॉस भी रुकेगा। मैं तो बहुत सालों से करती आ रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट दिखता है। और अलोम विलोम, इन सबका अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो एक्सरसाइज है, योगा है, इन सबको इंक्लूड करना चाहिए। कुछ नहीं तो 20 मिनट ही इंक्लूड कीजिए अपने डेली रूटीन में, और डिफरेंस आपको पता चलेगा। आप एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? गो नेचुरल, ना, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टे वेल। जितना आप नेचुरल जाएंगे एंड जितना सिंपलिसिटी अपनी लाइफ में रखेंगे, उतना आप इंटरनली हेल्दी रहेंगे, और वही आपकी स्किन को ग्लो करेगा, ग्लो देगा। प्लस आपका जो रूटीन है, फिर आप जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स, स्किन रूटीन जो है अपनाएंगे, तब वो ऑल टुगेदर जब काम करता है, देन यू विल गेट वेरी हेल्दी स्किन। एंड जैसे मैंने बोला, एक मंत्रा है कि ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टे वेल। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थी डॉक्टर रुचि, जिन्होंने स्किन से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और बहुत सारा चीज़ें बताई जिससे कि हम अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। तो आगे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।